तो दोस्तों आप लोग कैसे हो। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी एंड्रॉइड सेलफोन यूज करते हो, एंड्रॉइड सेलफोन में आपने प्रॉब्लम फेस किया होगा, कभी कभी आपके सेलफोन से फोटोज, एसएमएस, वीडियोस या आपके कांटेक्ट होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं, तो आप उसको किस तरह रिस्टोर कर सकते हो। अगर आपका सेलफोन पूरा फॉर्मेट हो जाता है तो उसका जो भी डेटा होता है पूरा आप कैसे रिस्टोर कर सकते हो, बैकअप ले सकते हो। तो आज के वीडियो में आपको वही चीज बताऊंगा, आपको रिस्टोर किस तरह लेना है, जो आपके सेलफोन में ही आपको सेटिंग दे रखी है, अगर वो सेटिंग पूरी तरीके से आप कर लेते हो तो आपका जो डेटा होगा रिस्टोर हो जाएगा। करना कैसे है वीडियो में आगे देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करना, चलो सब्सक्राइब करना, नीचे रेड बटन पे क्लिक करके इस तरह टेक्निकल वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। तो दोस्तों मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा पूरी तरह कर लेना, उसके बाद जो भी आपका डेटा है पूरा बैकअप हो जाएगा। तो आपको करना कैसे वीडियो में देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको आ जाना आपके सेलफोन के होम स्क्रीन पे, वहां से आपको चले जाना है आपके मोबाइल के सेटिंग के ऑप्शन में। सेटिंग में जाते आपको इस तरह का ऑप्शन दिखेगा, न्यू पेज आ जाएगा, आपको इसको स्क्रॉल अप करना है और आपको आ जाना है सिस्टम मैनेजमेंट में, या मोर सेटिंग दिखे आपको उस पर क्लिक करना है। मैं सिस्टम मैनेजमेंट पे चले जाता हूँ, उसके बाद वापस इसको स्क्रॉल अप करके आपको ऑप्शन दिखेगा बैकअप एंड रिसेट, आपको बैकअप एंड रिसेट पे क्लिक करना है। बैकअप एंड रिसेट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा बैकअप डेटा एंड रिस्टोर डेटा, आपको पहले करना है बैकअप पे। बैकअप पे आपको ऑप्शन दिखेगा वीओ क्लाउड या गूगल सर्वर, आपको गूगल सर्वर क्लिक कर लेना है। गूगल सर्वर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा बैकअप माई डेटा, आपको उस पर क्लिक कर देना है और बैकअप डेटा अकाउंट पे क्लिक करना है। इसमें आपको कोई भी आपका ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेना है, ईमेल आईडी सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको बैकअप ऑन कर देना है, तो इसी आपकी ईमेल आईडी में बैकअप चालू हो जाएगा। आपको बैक आना है वापस और आपको क्लिक करना है रिस्टोर डेटा पे। रिस्टोर डेटा के लिए भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, आपको जो डेटा आपका है उसको रिकवर कौन से ईमेल आईडी पे करना है, तो आपको यहाँ क्लिक करना है रिकवर फ्रॉम गूगल सर्वर, इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ ऑटो ऑन कर देना है, आपको बैक आ जाना है वापस। इतना सेटिंग करने के बाद आपको आ जाना है बैक और आपको चले जाना है गूगल के ऑप्शन पे। गूगल के ऑप्शन पे क्लिक करते आपको सामने इस तरह इंटरफेस दिखेगा, आपको गूगल पे क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करते आपके सामने ऑप्शन दिखेगा, थर्ड ऑप्शन आएगा बैकअप, आपको बैकअप पे क्लिक करना है। बैकअप पे क्लिक करते आपको सिंपली यहाँ क्लिक करना है बैकअप नाउ पे। जैसे आप बैकअप नाउ पे क्लिक करोगे आपका जो भी डेटा है आपके सामने बैकअप होना शुरू हो जाएगा, और आपके सामने जो भी आपका डेटा था पूरा बैकअप हो जाएगा और उसको थोड़े टाइम के बाद दे सकते हो। तो जो भी मेरा डेटा था वो मेरे इस आईडी पे सेव हो चुका है। इस तरीके से आप अपने ईमेल आईडी पे जाके अपने डेटा को चेकआउट कर सकते हो। जो ईमेल आईडी आपने सेलेक्ट किया था बैकअप के लिए वही ईमेल आईडी पे आपका पूरा डेटा बैकअप हो जाएगा। इस तरीके से अपने ऐप्स को, फ़ोन, फोटोज़, एसएमएस, कॉल हिस्ट्री, आपका डिवाइस सेटिंग सबको आप बैकअप कर सकते हो। अगर आपको मोर ऑप्शन पे जाना है, अगर आपको वाईफाई से करना है तो आपको इस पे क्लिक कर देना है, या आपके सेलफोन के डेटा से और वाईफाई से भी बैकअप लेना शुरू हो जाएगा अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हो। तो मैं इसको बंद कर देना, मुझे सिर्फ वाईफाई से ही क्लिक करना है, क्योंकि जब चार्जिंग पे मेरा सेलफोन हो तब भी या ना हो तब भी मुझे बैकअप लेना है, इसलिए मैं इसको अनसेलेक्ट कर दूंगा। इस तरीके से आप पूरे डेटा को बैकअप ले सकते हो अपने मोबाइल से ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, इस तरह लेटेस्ट वीडियो देखने सबसे पहले। थैंक यू।